Good morning, dear students. Hope you all are fine and safe and sound at your homes. I am your social studies teacher, and this is video 11. In previous videos, में हम लोगों ने lesson number 19, title page and two short question answer हम लोगों ने done किए थे. Now in this video, हम लोग remaining जो हमारे पास short question answer 3 हैं, long question 1 and MCQ 7 है. वीडियो में हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 डन करेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 डन करेंगे. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली. आप लोग के पास अप्रैल मई टास्क है तो आप लोग इसको इन क्वेश्चन आंसर से आप लोग हेल्प कर सकते हो और अपनी नीट कॉपी में इन आंसर्स को कर लें, ठीक है. नाउ कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में मार्जिन लाइन ड्रा करनी है. आप लोग की कॉपीज़ में एक साइड पे रेड मार्जिन लाइन होती है और एक साइड पे आप लोगों ने पेंसिल की हेल्प से, पेंसिल और स्केल की हेल्प से आप लोगों ने मार्जिन लाइन ड्रा करनी है. ड्रा करनी है, वन फिंगर गैप होगा, जस्ट नॉट टू और थ्री फिंगर गैप आप लोगों ने देना है. सबसे पहले आप लोग राइट टुडे डेट 26/5/21 एंड ड्रा मार्जिन लाइन. नाउ कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट दिस क्यू फॉर्मेशन ऑफ क्यू एंड 3. डोंट पुट द ब्रैकेट. किसी ने भी ब्रैकेट्स वगैरह पुट नहीं करने, ना क्यू के साथ ना 3 के साथ किसी ने भी ब्रैकेट्स वगैरह पुट नहीं करने. नेम द टाइटल गिवन टू मिस फातिमा जिना, फुल स्टॉप. नेम आ गया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, फुल स्टॉप हम लोग लगाएंगे. नेम एन ए एम ई नेम द टी एच ई द फॉर्मेशन देखे इसकी टी आई टी एल ई टाइटल गिवन GIVEN given to TO2 M Miss का M capital होगा, Miss 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 Fatima का F capital होगा, FATIMA Fatima and Jina also J capital JINNAH Jina. Name the title given to Miss Fatima Jina. Underline the question, double underline the question with pencil and write question with blue marker. आंसर की आप लोगों ने हेडिंग देनी है ए एन एस. डोंट पुट द ब्रैकेट. किसी किस्म का कोई भी आप लोगों के पास साइन नहीं लगाना आप लोगों ने. एम आई डबल एस एफ ए टी आई एम ए फातिमा एंड जिना जे आई डबल एन ए एच जिना मिस फातिमा जिना. आल्सो राइट इन कैपिटल लेटर्स. हेडिंग आप लोगों ने कैपिटल लेटर्स में देनी है एंड राइट विद ब्लू मार्कर. डबल अंडरलाइन द क्वेश्चन एंड डबल अंडरलाइन द हेडिंग. किसी ने भी कुछ ब्रैकेट्स वगैरह पुट, किसी किस्म का भी कोई साइन वगैरह आप लोगों ने नहीं लगाना. नाउ वन फिंगर गैप. वन फिंगर गैप के बाद द टाइटल गिवन टू मिस फातिमा जिना वाज मादरे मिल्लत. द टाइटल गिवन द टी एच ई द टाइटल टी आई टी एल ई टाइटल गिवन जी आई वी ई एन गिवन टू टी ओ टू टू मिस फातिमा जिना. मिस का एम, फातिमा का एफ, जिना का जे कैपिटल एंड राइट विद ब्लू मार्कर. The title given to Miss Fatima Jinnah was Madre Millat. M A D A R Madre E डैश डालने आप लोगों ने Millat M I double L A T Millat full stop. The title given to Miss Fatima Jinnah was Madre Millat. M F J capital and write with blue marker and also double M M Madre M and Millat M capital with blue marker. Title given to Miss Fatima Jinnah was Madre Millat. Full stop and draw ending line. The title given to Miss Fatima Jinnah was Madre Millat. Ending line. ये आप लोग के पास अप्रैल मई टास्क में आप लोग के पास इस लेसन के 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और MCQs भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, ठीक है. सो आप लोग इस वीडियो से आप लोग हेल्प ले सकते हैं. द टाइटल गिवन टू मिस फातिमा जिनाह वाज मादरे मिल्लत एंड ड्रा एंडिंग लाइन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की हेडिंग नेक्स्ट पेज पर, न्यू पेज पर ही देनी है. नाउ 26 राइट टुडे डे 26/5/21. जो भी आप लोगों ने काम स्टार्ट करना है तो आपने उसी वक्त उस वक्त की जो डेट होगी उस दिन, तो आप लोगों ने वही डेट लिखनी है. आप लोग कॉपीज़ में बोथ साइड, एक साइड पर आप लोग के पास मार्जिन लाइन ड्रा हुई भी है, दूसरी साइड पर आप लोगों ने खुद ड्रा करनी है विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल. एंड डेट आप लोगों ने राइट करनी है, राइट विद इंक पेन एंड अंडरलाइनिंग एंडिंग लाइन और मार्जिन लाइन आप लोगों ने पेंसिल से ड्रा एंड अंडरलाइनिंग वगैरह आप लोगों ने पेंसिल से ही करनी है.
Now read the new page and give the heading of long question answer. Look at the formation LONG long Q/ANS long question answer. Double underline the heading. Now क्वेश्चन नंबर वन क्यू वन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम लोग अभी वो डन करते हैं. क्यू वन कोई भी डोंट पुट द ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स वगैरह किसी ने भी पुट नहीं करने. हु वॉज इलाम इकबाल एंड वाई इज़ ही फेमस क्वेश्चन मार्क. हु का डब्ल्यू कैपिटल. हु वॉज इलाम इकबाल एंड वाई इज़ ही फेमस क्वेश्चन मार्क एंड डबल अंडरलाइन द क्वेश्चन. डबल अंडरलाइन द क्वेश्चन. A and I capital and write with आप लोगों ने पूरा question heading आप लोगों ने blue marker से ही देनी है. Now आप लोगों ने answer की heading ने ANS answer के साथ भी heading के साथ आप लोगों ने किसी किस्म का भी कोई भी sign वगैरह नहीं मार. Give the heading of इलामा इकबाल. ALLAMA इलामा IQBAL इलामा इकबाल. साइन वगैरह किसी किस्म का भी आप लोगों ने नहीं डालना. डबल अंडरलाइन द क्वेश्चन एंड हेडिंग. नाउ वन फिंगर गैप. इलामा इकबाल वाज बॉर्न ऑन 9 नवंबर 1877 फुल स्टॉप. इलामा का ए एंड आई कैपिटल राइट विद ब्लू मार्कर. 9 एंड 1877 राइट विद ब्लू मार्कर फुल स्टॉप आ जाएगा. नेक्स्ट लाइन में आप लोगों ने लिखना है ही इज़ अवर नेशनल पोइट एंड ऑल्सो नोन एज अ ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान. He is our national poet, NATIONAL national poet, POET poet, and also known as a dreamer of Pakistan. कि वो हमारे कौमी शायर भी थे और उन्हें पाकिस्तान का ख्वाब भी देखा. DREAMER dreamer, पाकिस्तान P should be capital because it's our country name, and write with blue marker. Full stop. इलामा इकबाल was born on 9 November 1877. He is our national poet and also known as a dreamer of Pakistan. Full stop. Now नेक्स्ट लाइन में आप लोगों ने वन फिंगर गैप देना है. ही इज़ फेमस फॉर हिज पोइट्री विच ही हैज़ रिटन इन उर्दू एंड पर्शियन. ही इज़ फेमस फॉर हिज पोइट्री POETRY पोइट्री विच ही हैज़ रिटन WRITEN रिटन इन उर्दू. उर्दू का यू कैपिटल राइट विद ब्लू मार्कर एंड आल्सो पर्शियन का भी पी कैपिटल होगा और राइट विद ब्लू मार्कर. ही इज़ फेमस फॉर हिज पोइट्री विच ही हैज़ रिटन इन उर्दू एंड पर्शियन. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. इलामा इकबाल वॉज बॉर्न ऑन 9 नवंबर 1877. ही इज़ अवर नेशनल पोइट एंड ऑल्सो नोन एज अ ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान. ही इज़ फेमस फॉर हिज पोइट्री विच ही हैज़ रिटन इन उर्दू एंड पर्शियन. ड्रा एंडिंग लाइन. अब आप लोगों के पास व्हाट्सएप पर पिक्चर्स भी आ जाएंगी क्वेश्चन आंसर की. आप लोग उससे भी हेल्प ले सकते हो. ऑनलाइन क्लास में भी आप लोगों ने किया है उसमें उससे भी हेल्प ले सकते हैं और वीडियोज़ भी आप लोगों के पास आ चुकी हैं. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. तो आप लोग अप्रैल मई टास्क आप लोग इन क्वेश्चन आंसर की हेल्प से आप लोग डन कर सकते हैं. सो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम लोग MCQs डन करेंगे. सो जिसको भी कोई क्वेश्चन वगैरह होना चाहिए तो वो मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं. सो हमारा ये क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर 19 के कंप्लीट हो चुके हैं. इंशाल्लाह कल हम लोग MCQs डन करेंगे. सो स्टे सेफ एट होम एंड अल्लाह हाफिज़.